एपिसोड की शुरुआत में मैलिस कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नज़दीक आने की। उसे देखकर वो ड्रैगन डर जाता है। ड्रैगन मतलब ये बंदा। वो अचानक से नीचे गिरने लगता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रहा होता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। वो लंबी छोटी वाला उसे देखकर घबरा जाता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी डायरेक्टर उसे मना करते हैं और कहते हैं, नहीं उसे मत छूना। डायरेक्टर कहते हैं, अगर तुमने उसे छुआ तो तुम भी उसके काबू में आ जाओगे। अगर मैं सही हूँ तो वो किसी ऐसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में है जिसे वो संभाल नहीं पा रहा। सीन चेंज होता है, हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है, रॉज ये तुम्हारा दिल है या फिर तुम्हारा फ्यूचर। तभी मैलिस कहता है, तुम इंसान। हम देखते हैं कि उस बंदे के पीछे दो बड़ी बड़ी आँखें होती है जो उसे बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी। ड्रैगन कहता है, तुम कौन हो, तुम रॉज नहीं हो। वो आँख कहती है, रॉज रॉज तो बस एक छोटा सा बच्चा का सपना है। तो वो कहता है, आखिर तुम कौन हो। वो बताता है कि वो एक विल है, इसके बारे में आपको आगे बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा, अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। वो आँखें कहती है, ये जगह इंसानों के लिए बिल्कुल नहीं है। और फिर से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ड्रैगन रॉज के दिमाग से निकल चुका होता है और अभी भी उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। वो लंबी चोटी वाला आता है और अपने भाई को संभाल लेता है। वो ड्रैगन उससे कहता है, रॉज से कहता है, तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो, तुम उससे कई ज़्यादा हो, आखिर कब तुम अपनी आँखें खोलोगे। तभी वहाँ पर वो मोटू पतलू आ जाते हैं। वो लंबू कहता है कि चलो खाने का वक्त हो चुका है और खाना खा लेने के बाद तुम लोग सेंट्रल स्क्वायर में टहल सकते हो। सीन चेंज होता है, हमें उस सेंट्रल स्क्वायर को दिखाया जाता है जो कि किसी बड़े से गार्डन जैसा दिख रहा है। इधर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी की मालिश कर रहा होता है और कहता है, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना बड़े भाई, लेकिन लिपस्टिक क्यों लगाया है। उसके बगल में एक और ब्लू बाल वाला बंदा होता है। वो कहता है, बड़े भाई मैंने सुना है जो कैदी अभी अभी आए थे वो कल से काम पर आएंगे। वो जो बंदा मसाज करवा रहा होता है वो हंसते हंसते कहता है, तो चलो उन्हें दिखाते हैं कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। ये बॉडी बिल्डर यहाँ का सबसे ताकतवर आदमी होता है क्योंकि सब ने तो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खो दी है, इसीलिए अभी नॉर्मल ह्यूमन में यहाँ पे सबसे ताकतवर यही पर है। सीन चेंज होता है, हमें उस लंबी चोटी वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि खाना को देख कर उसका उल्टी जैसा मन कर रहा होता है और कहता है, यार क्या ये चीज़ खाने लायक भी है। वो कहता है, आखिर तुम लोग ही मुझे बताओ। लेकिन वो जैसे ही मुड़ कर देखता है, वो देखता है सभी लोग शांति से खाना खा रहे होते हैं। उसका बड़ा भाई कहता है, मुझे नहीं पता है इन्होंने यहाँ पर किस किस चीज़ को फेस किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन्होंने इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। और वो सोच रहा होता है, जीने के लिए हमें खाना पड़ेगा, क्या तुम यही जानते हो रॉज। मोटू पतलू वहाँ पर आते हैं। वो मोटू कहता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही रूल है, यहाँ पर कोई भी बदमाशी नहीं चलेगी। वो मोटू कहता है, तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यहाँ पर मज़ा आ रहा होगा और हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वो बॉडी बिल्डर वहाँ पर आता है और कहता है, ये काफ़ी रेयर है कि आप दोनों खुद प्रिजनर्स को कंपनी देने के लिए यहाँ पर आएँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम उन लोगों का पूरे अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे, यहाँ पर सब चीज़ बिल्कुल सही होगा। वो मोटू कहता है, भले ही तुम यहाँ के ग्रुप के लीडर क्यों ना हो, लेकिन एक डॉगी तो डॉगी हो वैसे। वो लंबू कहता है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो जो तुम हमसे बात कर रहे हो। वो बॉडी बिल्डर डर जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो आप लोगों की बस थोड़ी सी मदद करना चाहता था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद आपसे ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। वो लंबू हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, आज के बाद याद रखना कि तुम ऐसा कभी ना करो। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है, याद रखना रूल्स बिल्कुल भी मत तोड़ना। जब वो दोनों थोड़ी दूर चले जाते हैं तब वो बॉडी बिल्डर कहता है, अगर इन लोगों ने मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं चुराई होती ना तब तो मैं इन्हें। तभी वो ब्लू बाल वाला बंदा आता है और कहता है कि चुप रहो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, यहाँ पर जो भी बोलना है सोच समझ के बोलो, वरना तुम जानते हो ना कि अंजाम क्या होगा। हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी संभल के रहना पड़ता है और तुम ऐसी वैसी बातें करके उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा मत दिलाना। सीन चेंज होता है, हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर किसी अजीब चीज़ होने का आभास हो रहा है। उसका भाई कहता है, क्या हुआ ब्रदर, क्या अब हम क्या करने वाले हैं। वो कहता है, हम क्या करने वाले हैं। वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है, ऐसी एक्टिंग करो कि तुम एक प्रिजनर हो जिसके अंदर से उसकी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को निकाल लिया है। वो लंबी चोटी वाला कहता है, तो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, अब तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम रॉज के साथ क्या करना चाहते हो, क्या इन लोगों के पास अभी भी इनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है क्या। ड्रैगन कहता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा है।
एक ऐसा मौका जब रॉज को पता चले कि आखिर उसकी असली पावर क्या है। सीन चेंज होता है, हमें रॉज को दिखाया जाता है। वो कहता है, तुम क्या कह रहे हो जायवेंग, देखो यहाँ पर चायवेंग लिखा गया है। ऐसे करते करते ये लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो कभी कभी वर्ड समझ ही नहीं आता। जाय उससे कहता है, क्या तुम अब ठीक हो? अब तुम ठीक हो तो तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। रॉज अपना सर झुका लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें निराश किया। जाय उससे कहता है, आखिर तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम वो पर्सन हो जिससे मैं कम्पीट करना चाहता हूँ और तुम मेरी कुछ बातों से ही फ्रस्ट्रेट हो गए। रॉज कहता है, मैं। तभी जायवेंग उससे कहता है, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो, तो तुम अब क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो? जाय वहाँ से जाने लगता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो और ये सब चीज़ तुम किसे साबित करना चाहते हो? रॉज सोच रहा होता है, तुम ऐसे ही लोगों को दिलासा देते हो जायवेंग, जैसा कि तुमसे एक्सपेक्टेड था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाय जा रहा होता है, तभी उसके रास्ते में वो बॉडी बिल्डर आ जाता है और कहता है, तो तुम ही हो यंग मास्टर ली कंट्री के तीसरे फैमिली के सबसे छोटे बेटे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम कोई ऐसे ही यंग जेंटलमैन टाइप के बंदे हो जो किसी की परवाह नहीं करता है, लेकिन अब जब मैं तुम्हारी इन आँखों को और तुम्हारे टेम्पर को देख रहा हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा क्यों ना कीमा बना दूँ। जाय उसे कहता है, क्या तुम्हें मरना है? वैसे ही वो बॉडी बिल्डर उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है और कहता है, वो बॉडी बिल्डर कहता है, तुम्हारी जबान बहुत चलती है लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है। वो पंच जाय को बहुत ज़ोरदार लगी हुई होती है और वो सोच रहा होता है कि अब उसके पास उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं है और पहले की जो इंजरीज थी उसके कारण उसकी बॉडी अब ढीली हो चुकी है, इसलिए वो सही टाइम पर रिएक्शन नहीं दे पाया और ये बंदा, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इधर शायु दौड़ कर आ रही होती है और उस बॉडी बिल्डर से कहती है, मिस्टर आप मेरे मास्टर को क्यों मार रहे हैं? हम देखते हैं कि उस बॉडी बिल्डर ने जाय का गला पकड़ा हुआ होता है, वो भी बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है और कहता है कि तुम इन छोटे मोटे कीड़े के ग्रुप बना के ऐसे घूम रहे हो। रॉज उससे कहता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जायवेंग को अकेला छोड़ दो। वो बॉडी बिल्डर कहता है, भले हम सभी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ले ली गई हो लेकिन तुम ज़रा भी चिंता मत करो, यहाँ पर अभी भी मेरा ही राज चलेगा क्योंकि यहाँ पर अभी भी सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। डायरेक्टर कहते थे, अब देखने से ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ हमारी ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चुराया गया है। क्या तुम सचमुच हमसे लड़ना चाहते हो? तुम्हें बाद में इसका पछतावा होगा। इधर जायवेंग को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसने उसका गला बहुत ज़ोर से दबाया हुआ होता है। वो बॉडी बिल्डर कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस चाहता था कि तुम लोगों को पता चले कि आखिर इस प्रिजनर का बॉस कौन है और मैं तुम लोगों को सबक ज़रूर सिखाऊंगा। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी इन लोगों को घेर लेते हैं। वो बॉडी बिल्डर जाय से कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि एक जेंटलमैन मेरी सेवा करे। रॉज कहता है कि तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, और वो सीधा दौड़कर उस बॉडी बिल्डर की तरफ जा रहा होता है और उसके साथी भी अब उसके साथ साथ आ रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। वो बॉडी बिल्डर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो कहता है, इस जगह में किसी के पास भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब जिसके पास ज़्यादा आदमी होंगे वही यहाँ पर जीतेगा। चलो उन्हें दिखाते हैं कि यहाँ का बॉस कौन है। और उसके आदमी भी रॉज की टीम पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं कि रॉज और उसकी टीम बहुत बुरी तरीके से उस बॉडी बिल्डर वाली की टीम को मार रही होती है। कोई किसी के मुंह पर बैठ जाता है तो कोई किसी का सर ही उड़ा डालता है। डायरेक्टर कहते हैं, बहुत दिन हो गए, मैंने बहुत दिन बाद ऐसी लड़ाई लड़ी है। वो बॉडी बिल्डर कहता है, लगता है तुम लोग फिजिकल स्किल्स में इतने भी बुरे नहीं हो। वो जायवेंग को दूसरे बंदों के हवाले कर देता है और कहता है, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ, अब तुम लोग मेरा शिकार हो, आज रात बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मैं भी थोड़ा सा वार्म अप करना चाहता हूँ, तुम तीनों एक साथ मुझ पर हमला करने के लिए आओ। हमें रॉज को दिखाया जाता है और वो कहता है, मैं अभी ऐसे मूड में नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ ऐसा घर घर खेल सकूँ, चुपचाप से जायवेंग को हमारे हवाले कर दो। वो बॉडी बिल्डर पहले तो रॉज को देख के ऐसे थोड़ा सा डर जाता है और सोच रहा होता है, आखिर इसके साथ क्या गड़बड़ है, इसका चेहरा ऐसा क्यों हो गया? और वो कहता है, तुम बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम मुझे ऐसे अपने उस चेहरे के एक्सप्रेशन से डराना चाहते हो? तभी वहाँ पर मोटू पतलू आ जाते हैं और बस हमारे ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। और आज तो और भी वीडियो आने वाली हैं, तो सीट बेल्ट लगा के तैयार रहना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थोड़ी ही देर में आ जाएगी वीडियो।